गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 15, द मैरोग। मैरोग बेटा एक पोयम है जिसके राइटर हैं आरसिस क्रेवन। मैरोग क्या मीनिंग क्या होता है? मैरोग एक क्रिएचर है। क्रिएचर मैंने एक जो पोइट ने खुद को मैरोग मतलब बताया है, समझाया है, पोइट ने खुद को मैरोग से समझाया है कि मैरोग एक क्रिएचर है, एक प्राणी है जो मार्स से आया है, जो मार्स से आया है। स्टूडेंट्स, अभी हम पोएम रीड करते हैं। माई डेस्क एट द बैक ऑफ द क्लास एंड नोबडी नोस, आई एम अ मैरोग फ्रॉम मार्स विद अ बॉडी ऑफ ब्रास एंड 17 फिंगर्स ऑन एंड टॉज, वुड नॉट दे श्रिक इफ दे न्यू। I have 3 eyes at the back of my head and my hair is bright purple. My nose is deep blue and my teeth are half yellow, half red. My 5 arms are silver and split with knives on them sharper than spears. Next, देखिए, I could go back right now if I liked and return in a million light years. I could gobble them all, for I am 7 foot tall and I am breathing green flames from my ears. Would not they yell if they knew, if they guessed that a marrow was there? Ha ha, they have not a clue. Or would not they tremble with fear? Look, look, a marrow. They would all scream and smack the blackboard. Would fall and the ceiling would crack and the teacher would faint, I suppose, but I grim to myself sitting right at the back and nobody knows. Start करते हैं poem बेटा। First stanza हमारा, my desk's at the back of the class and nobody knows. मेरा desk जो है class में सबसे पीछे की तरफ है और किसी को नहीं पता। एंड नोबडी नोस, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि आई एम अ मैरोग फ्रॉम मार्स, मैं एक मैरोग हूँ जो कि मार्स से आया हूँ। विद अ बॉडी ऑफ ब्रास, मेरी जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है वो येल्लो, मेरी बॉडी जो है येल्लो ब्राइट मेटल की है। येल्लो मैंने पीले जो रंग का, ब्राइट मैंने चमकते हुए मेटल की बनी हुई है। और 70 फिंगर्स एंड टॉज, और मेरी 17 फिंगर्स एंड टॉज हैं, 17 फिंगर्स हैं एंड टॉज हैं। वुड नॉट दे श्रिक इफ दे न्यू, आई हैव 3 आईज एट द बैक ऑफ माई हेड एंड माई हेयर इज ब्राइट पर्पल, माई नोज इज डीप ब्लू एंड माई टीथ आर हाफ येलो हाफ रेड। सब जो हैं डर के मारे चीखेंगे। श्रिक मैंने चीखना, चिल्लाना, एकदम मुझे देखकर चीखेंगे, वो देखेंगे मेरे सिर के पीछे। आई हैव 3 आईज, मेरे जो सिर के पीछे हैं, मेरे जो सिर के पीछे जो हैं 3 आँखें, 3 आईज हैं मेरे सिर के पीछे। और मेरे जो हेयर हैं ब्राइट पर्पल कलर के हैं, पर्पल मैंने बैंगनी कलर के हैं। और मेरी नाक जो है, माई नोज इज डीप ब्लू, मेरी नाक जो है गहरी नीले रंग की है, ब्लू मैंने नीला रंग, डीप मैंने गहरी। एंड माई टीथ आर हाफ येलो एंड हाफ रेड, मेरे जो आधे दांत हैं, टीथ जो मैंने आधे पीले रंग के और आधे हाफ रेड रंग के हैं। और माई फाइव आर्म्स आर सिल्वर एंड स्पाइक्ड विद नाइव्स ऑन देम शार्पर देन स्पियर्स, मेरी जो क्या है, मेरी 5 बाजू सिल्वर की हैं और बहुत ही स्पाइक्ड, मैंने क्या होता है नुकीली, जो मेरी 5 हाथ हैं, बाजू हैं सिल्वर की हैं, सिल्वर कलर की हैं, स्पाइक्ड मैंने नुकीली मैंने शार्प जिसे बोल देते हैं। और विद नाइव्स ऑन देम शार्पर देन स्पियर्स, और मेरे हाथों में जो छुरी है, छुरी मतलब नाइव्स है, चाकू, जो भाले से भी ज़्यादा शार्प है, मतलब शार्प मैंने तेज है, नुकीला है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आई कुड गो बैक राइट नाउ इफ आई लाइक, मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ,
गो बैक मैंने जा सकता हूँ, कहाँ जा सकता है, मार्स में, और मैं दोबारा भी आ सकता हूँ, एंड रिटर्न इन अ मिलियन लाइट ईयर्स, और मैं दोबारा भी आ सकता हूँ। डिस्टेंट लाइट ट्रेवल का है, मतलब कि साल में 9.5 मिलियन किलोमीटर्स मैं दोबारा जा सकता हूँ और दोबारा भी आ सकता हूँ। नेक्स्ट है, आई कुड गॉबल देम ऑल, मैं चाहूँ तो उसको अभी निगल सकता हूँ। स्वेलो मैंने क्या होता है, निगलना, निगल सकता हूँ, स्वेलो कर सकता हूँ, निगलना क्या क्या बोलते हैं, निगलना स्वेलो को बोलते हैं, भी उसको निगल सकता हूँ और दोबारा खा सकता हूँ, दोबारा खा सकता हूँ। एंड आई एम ब्रीथिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम माई ईयर्स, मैं खा सकता हूँ, मैं 7 फुट लंबा हूँ, चाहूँ तो उन सबको मैं निगल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उन सबको निगल सकता हूँ, क्योंकि कितना हूँ, आई एम ब्रीथिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम, एंड फॉर आई एम 7 फुट टॉल एंड आई एम ब्रीथिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम माई ईयर्स, मैं 7 फुट लंबा हूँ, चाहूँ तो उन सबको निगल सकता हूँ और खा सकता हूँ, एंड आई एम ब्रीथिंग ग्रीन फ्लेम्स फ्रॉम माई ईयर्स, और मेरे कानों से ग्रीन कलर की फ्लेम निकल रही है, मतलब फ्लेम क्या होता है, आग निकल रही है। नेक्स्ट टेंजर देखिए, वुड नॉट दे येल इफ दे न्यू इफ दे गेस्ड दैट अ मैरो वाज हर, हा हा दे हैव नॉट अ क्लू, और वुड नॉट दे ट्रेम्बल विद फियर, लुक लुक अ मैरो, दे वुड ऑल स्क्रीम एंड स्मैक, the blackboard would fall and the ceiling would crack। देखिए मेरे कानों में जो ग्रीन कलर की फ्रेम निकल रही है और आग निकल रही है। नेक्स्ट में, अगर इन सब को पता होता कि ये सब डर के मारे चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे होते कि यहाँ पर एक मैरोग है, डर रहे होते, अभी इनको कोई क्ल्यू नहीं है, कोई डर नहीं है, अब इनको सबको ये पता नहीं है कि यहाँ पर जो है ये मैरोग है। अगर ये इनको ये पता लग जाता कि यहाँ पर ये मैरोग है और जो मार्स है, सब कांपते और डर के मारे देखते और डर जाते, काफी घबरा जाते। ऑल द टीचर्स वुड फेंट आई सपोज, बट आई ग्रिन टू माई सेल्फ सीटिंग राइट एट द बैक एंड नोबडी नोस, वे सभी मेरी तरफ देखते और जोर जोर से चिल्लाते, क्या चिल्लाते कि स्मैक, मुझसे डरते, क्या डरते, मुझसे डरते और मुझसे डरते और मुझे मारने भी आते। और वो क्या कहता है, द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल एंड सीलिंग वुड क्रैक, और जो ब्लैक बोर्ड है वो भी गिर जाता, जो छत है हमारी वो भी क्रैक हो जाती, छत है जो वो हमारी वो भी क्रैक हो जाती, और मैं पीछे बैठकर, एंड द टीचर वुड फेंट आई सपोज, मैं पीछे बैठकर, ग्रीन का क्या मीनिंग होता है, ग्रीन का मीनिंग होता है मतलब स्माइल करता, पीछे बैठकर ग्रीन, बट आई ग्रीन टू माई सेल्फ सीटिंग राइट एट द बैक, और मैं पीछे बैठकर स्माइल करता और उसके पीछे मैं बैठा रहता और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं एक मैरोग हूँ, कोई नहीं जानता, एंड नोबडी नोस, और कोई मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, भी मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कौन हूँ, किसी को पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स, ये मैरोग थी, मैरोग पोएम थी, आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।